चार दिवसीय आईएएस वीक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज सीएम अखिलेश यादव आईएएस अफसरों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम में मौजूद आईएएस अफसरों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज इस आयोजन का दूसरा दिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों को भोज देंगे, जिसका आयोजन राजधानी के 5 KD में किया जाएगा। आईएएस अफसरों को आज संबोधित करेंगे हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कब ये संबोधन किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से और लंच का भी प्रोग्राम रखा गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज आईएएस जो आईएएस हैं उनको आज लंच पर बुलाया है, वहाँ लंच कराएंगे, क्योंकि 4 दिवसीय आईएएस वीक का आयोजन शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है 16 दिसंबर, आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन आईएएस से मिलेंगे, इनकी जो मांगे होंगी इन पर गौर करेंगे, इसके अलावा इनको डिनर पर इन्वाइट करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार आईएएस वीक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले ही बता दिया था कि वो आईएएस का मैच नहीं खेलेंगे, वो इस बार जनता के बीच जाएंगे। तो कुल मिला के आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के यहाँ डिनर है और माना जा रहा है कि इस दौरान जो आईएएस हैं वो अपनी मांगों को मुख्यमंत्री सामने रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह 1985 और 86 बैच जो आईएएस हैं इनकी मांग है कि उनको अपर मुख्य सचिव का वेतनमान दिया जाए, उसके अलावा जो 84 बैच के आईएएस है उनको मुख्य सचिव का वेतनमान दिया जाए, क्योंकि जिस तरह जनवरी में डीपीसी होनी है लेकिन उस समय चुनाव होगा, तो इन आईएएस अधिकारियों की ये भी मांग है कि डीपीसी जनवरी या दिसंबर में करा लिया जाए, कि इस समय आचार संहिता ना लगे और इनको कहीं ना कहीं लाभ हो सके। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज के सामने अपनी ये मांग रखेंगे और एक डिनर के माध्यम से ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इंटैक्ट होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि ये अधिकारी काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सरकार पे पड़ता है, काम भले ही अधिकारी करते हैं लेकिन छवि सरकार की बनती है। कुल मिलाकर अधिकारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से डिनर करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स के दम पर ही या सहयोग से ही सरकार चलती है, ये भी मानते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जानकारी के लिए आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।